समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उरई कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर होमगार्ड ने पत्रकार के साथ की अभद्रता। मामले की जानकारी मिलते ही संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और होमगार्ड रामबिरन को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन होमगार्ड आग बबूला होकर पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। आपको बता दें, जनपद जालौन के जिला संवाददाता मुनव्वर अली सोमवार को जिला सूचना कार्यालय अथॉरिटी लेटर जमा करने गए थे, तभी वहां से वापस लौटते समय उनके फोन पर अचानक कॉल आई और वह अपनी बाइक को किनारे लगाकर रुककर बात करने लगे। तभी पीछे से होमगार्ड ने पत्रकार को गाली गलौज करते हुए मोबाइल छीन लिया और डंडा मार दिया। पत्रकार ने पूछा कि आपने हमको क्यों मारा और हमारा मोबाइल क्यों छीना, तो होमगार्ड रामबिरन पुत्र शिवराम आग बबूला होकर मारपीट और गाली गलौज करने लगा और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। जब इसकी सूचना पत्रकार ने संगठन के सभी लोगों को बताई तो मंगलवार को पत्रकार संगठन के सभी लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक जालौन को ज्ञापन दिया और होमगार्ड के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर सुरेश खरकिया, राजेश महाराज, लोक भारती जिला संवाद दाता, राष्ट्रीय सहारा ब्यूरो अचल शर्मा, नीरज प्रजापति, सुरेंद्र राजावत, मुनव्वर अली, कुलदीप गोस्वामी, सुधीर पाठक, नसीम सिद्दीकी, विष्णु चरसोलिया, आटा अली जावेद, सुंदरम सोनी, मोहम्मद हामिद के साथ संगठन के भारी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने जांच के आदेश दिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।